His age, this Bangladesh, one Bangladesh devotee, his age was 36, yes. 36 years unka umar tha, lekin due to coronavirus, just you know, 2 days back, coronavirus ke karan unka mrityu ho gaya, unko deha tyag karna pada. तो उनका वीडियो मैं देख रहा था, फेसबुक में आया था. ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल टेकिंग ब्रीदिंग, बहुत डिफिकल्टी हो रहा था ब्रीदिंग करने में एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ. एंड द डिवोटीज वेर चैंटिंग कृष्णस नेम्स in front of him. There he was surrounded by devotees, this person, you know, was able to remember Krishna at the last stage of his life by the help of the devotees. And similarly non devotee log kabhi main aur ek main एक जन से सुना कि और एक जन नॉन डिवोटी भक्त नहीं था, तो उनका भी कोरोना वायरस से मृत्यु हो गया. तो कोरोना वायरस में जब वो था लास्ट स्टेज में, तो उनका भी कॉन्शियसनेस था, सांस लेने में बहुत कष्ट हो रहा था, वेरी मच डिफिकल्टी. लेकिन वो जो नॉन डिवोटी ये दिस पर्सन ही टोल्ड टू हिज फैमिली मेंबर्स That you know, मैं मरने वाला हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो तुम लोग देख लेना family. He was a male member of the family, only male member. He had two daughters and one wife and two daughters. So he was the sole earning member, and he told to his daughters that you know I am going to die. It is too much painful, so you all take care of the family. So at the last stage of life also, it is not that there is no consciousness. It's not that, you know, people are not able to think anything. It's not like that, that completely it becomes blank. It's not like that. Mind has some thinking. So यम यम वापि स्मरम भावम त्याजति अन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता. एज आवर थॉट्स विल बी एट द टाइम ऑफ डेथ, इन दैट वे आवर डेस्टिनेशन विल बी इन द नेक्स्ट लाइफ. सो इन आवर इस्कॉन मूवमेंट इन फ्यू मंथ्स बैक, यू नो, Pankaj Angri Prabhu, he served in ISKCON for so many years until the end of his life. He also left his body due to coronavirus. So his consciousness was completely clear during the end part of his life. He was thinking of Krishna. He could tell devotees were surrounding him, and his consciousness was Krishna consciousness. So जीवन का अंत मोमेंट में भी लोगों जब लास्ट मोमेंट में भी क्या होता है, थॉट्स आता है. जो थॉट्स हम लोग कल्टीवेट करेंगे पूरा जीवन, वो थॉट्स आएगा अंतिम चरण में, आएगा वो थॉट्स, और उस माध्यम से हम लोग को नेक्स्ट लाइफ मिलेगा. सो देयरफॉर कल्टीवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस थ्रू आउट द लाइफ इज वेरी वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट. तो आज को हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. द वर्स नंबर 3, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, एंड लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्स वी विल सी टुडे टुनाइट. तो ये वर्स मैं बोल रहा हूँ, आप लोग रिपीट कर सकते हैं, मैं एक एक लाइन के बाद. उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह निश्चयात धैर्यात,
तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागात् सतो वृत्ते। संग त्यागात् सतो वृत्ते। षडभिर् भक्ति प्रसीदति। षडभिर् भक्ति प्रसीदति। There are six principles favorable to the execution of pure devotional service. तो छठो principle है, इस वर्ष में छठो principle के बारे में बोला गया है। पहला principle है उत्साहन, second one is निश्चयान निश्चयात, third principle है धैर्यात, fourth है तत्तत्कर्म प्रवर्तनात, और फिफ्थ है संगत त्यागात, ये फिफ्थ है, और सतो वृत्ते ये है सिक्स्थ। ये छठो प्रिंसिपल के बारे में इस वर्ष में बोला गया है। तो हम लोग ये छठो प्रिंसिपल के बारे में हम लोग आज को देखेंगे डीपर एस्पेक्ट में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज, तो ये छठो प्रिंसिपल फेवरेबल है किस चीज़ के लिए? फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति करने के लिए। अब शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति क्या है और व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस एंड व्हाट इज इम्प्योर डिवोशनल सर्विस। प्योर पूरा क्यों बोला जा रहा है? तो व्हाट इज प्योर, दैट विल सी द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस आल्सो विल सी। तो छह तो प्रिंसिपल है जो फेवरेबल है प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए। तो ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो उपदेशामृत, ये श्रील रूप गोस्वामी ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया है। तो रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी इज डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल है। ही वॉज एक्चुअली इन ए ग्रेट पोजिशन इन द किंगडम ऑफ हुसैन शाह, किंग हुसैन शाह। तो एक मुस्लिम राजा था 500 साल पहले, हुसैन शाह बोल के। तो हुसैन शाह उनके अंडर में नौकरी करता था ये रूप गोस्वामी। तो उसके उस टाइम पे उनका नाम रूप गोस्वामी नहीं था, वो तो चैतन्य महाप्रभु उनका नाम रखा रूप गोस्वामी। तो दो भाई थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ये दोनों भाई ये हुसैन शाह राजा का जो उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का रूप में सेवा करता था। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का पोजीशन बहुत हाई था हुसैन शाह राजा के राज्य में, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो था। तो बहुत ज़्यादा उनका अर्निंग था और बहुत ज़्यादा वो लोग अपने काम में बहुत परफेक्ट था, बहुत अच्छे तरीके से ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और टोटल प्राइम मिनिस्ट्री पूरा बहुत बढ़िया तरीके से निर्वाहन करता था कार्य को, ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। तो चैतन्य वो लोग रामकेली मालदा इन वेस्ट बंगाल, मालदा रामकेली में वो लोग रहता था। तो चैतन्य महाप्रभु के कृपा को पाने के लिए उन लोग का बहुत इच्छा था चैतन्य महाप्रभु का सेवा करेगा। तो वो लोग का मन उतना नहीं था कि एक मुस्लिम राजा का अंडर में सेवा करे, लेकिन करना पड़ा उस सिचुएशन में। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार जब राम के लिए आया, तब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कृपा किया। तो वो राम के लिए का वो जगह अभी भी है, वी हैड ए विजिट आउट देयर। आज से 6 साल पहले एक बॉयज का विजिट हुआ था राम के लिए धाम, 2016, 5 years back we visited राम के लिए, दैट सेम प्लेस वेयर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जहाँ पे रहते थे। वहाँ पे वो लोग इतना कृष्ण कॉन्शियस वे में रहता था। तो जो वहाँ पे ही एक तो पॉन्ड था, अभी भी है वो पॉन्ड, तो पॉन्ड राधा कुंड और श्याम कुंड
नाम पे अभी भी है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपना कार्य भी करता था, अपना नौकरी भी कर रहा है, अपना जो पोस्ट है बहुत बड़ा पोस्ट प्राइम मिनिस्टर का और फाइनेंस मिनिस्टर का, उस पोस्ट में भी था और भगवान का भक्ति भी बहुत साइड बाय साइड कर रहा था। लेकिन उन लोगों का मन था कि पूरा तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा कैसे किया जाए, ये मन था उन लोगों का। तो जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए धाम आया तो उस टाइम पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अपना कृपा प्रदान किया और फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये नवाब का नौकरी छोड़ के, नवाब का अंडर में जो सेवा है इसको छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन से वृंदावन में चले गए और वृंदावन में जितना भी होली प्लेसेस हैं उसको डिस्कवर किया, जहाँ पे कृष्ण पास टाइम किया था 5000 साल पहले वो प्लेसेस खो गया था। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो होली प्लेसेस को रीडिस्कवर किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन था। और चैतन्य महाप्रभु और एक दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो भक्ति का जो शास्त्र है, समस्त वेद का पूरा एकदम नॉलेज था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। और चैतन्य महाप्रभु इसीलिए उन लोगों को बोला था कि समस्त वैदिक लिटरेचर से जो उसका जो एसेंस है, उसका जो सार है वेदों का, वो भक्ति जो अल्टीमेट गोल है, वेदेश च सर्वेर अहम इव वेद्या, जो भगवद गीता भी बोल रहा है, तो उसका लिटरेचर कंपोज करना, ये इंस्ट्रक्शन दिया था चैतन्य महाप्रभु। इसलिए देखिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये दो जो चीज़ है, ये दो जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी कंपोज किया, दिस इज फ्रॉम द वेदास। दे आर हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ द वेदास एंड फ्रॉम द वेदास दे टुक डाउन द एसेंस एंड कंपोज दीज टू वर्सेस, दीज टू लिटरेचर्स, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन मूवमेंट में, वी आर ऑल अंडर रूप गोस्वामी, रूपानुगा, हम लोग को रूपानुगा बोला जाता है, वी आर फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी। तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखता है, एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर। कृष्ण भावनामृत में कोई कौन कितना एडवांस करेगा वो उनका जो प्रैक्टिशनर है उसका एटीट्यूड पे निर्भर करता है। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। कृष्ण इज टेलिंग दैट ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि अहम्। जो जैसे सरेंडर करेगा, जिस एटीट्यूड से सरेंडर करेगा, वैसा ही उस तरीके से कृष्ण रिसिप्रोकेट करता है उनके साथ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि अहम्। एज वन सरेंडर्स टू कृष्ण, इन दैट वे कृष्ण रेसिप्रोकेट्स विथ हिम। तो दैट एटीट्यूड इज वेरी वेरी एसेंशियल। हाउ मच वी आर हैविंग द एटीट्यूड ऑफ सर्विंग कृष्ण, दैट विल बी टेस्टेड। सो मायादेवी हम लोग को टेस्ट करता है। मायादेवी हम लोग का स्पिरिचुअल जर्नी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे परीक्षा लेता है। क्या टेस्ट करने के लिए? कि ये जो व्यक्ति है, ये जो आत्मा है, सही में कृष्ण को सेवा करने आया है, कृष्ण को चाहता है, या फिर कृष्ण को डिस्टर्ब करने आया है, ये चेक करता है मायादेवी। जो सही में कृष्ण को सेवा करने आया है, कृष्ण को प्रेम करने आया है, उन्हीं लोगों को एंट्री देता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। नहीं तो दूसरे कोई जो ऊपर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके कृष्ण को डिस्टर्ब करेगा, उन लोगों को एंट्री देता ही नहीं है मायादेवी, मेटेरियल वर्ल्ड में ही रख देता है। तो ये जो है, ये सर्विस कृष्ण मायादेवी को दिया है, टू सी दैट ओनली द क्वालिफाइड सोल्स दे एंटर इन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो ये क्वालिफिकेशन को बहुत आसान कर दिया है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री करने का क्वालिफिकेशन को बहुत आसान कर दिया है। कृष्णा बहुत उतना मर्सीफुल नहीं था चैतन्य महाप्रभु जैसा। द्वापर युग में जब कृष्णा आया, तब कृष्णा वॉज यू नो टू गिव हिज मर्सी,
उन्हीं लोगों को कृपा देते थे जो लोग क्वालिफाइड है, और उनका क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड काफी हाई था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत आसान कर दिया है प्रोसेस को, और सबको सबको ये कृष्ण प्रेम बांटने के लिए तैयार है चैतन्य महाप्रभु, जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन उतना देखता नहीं है। एक बार क्या हुआ था, जब एक बार वृंदावन में जब कृष्ण आया था, तो कृष्ण जब आया था तब कृष्ण का एक कृष्ण तो कृपालु है, पूतना को भी कृपा किया। पूतना जो अपना अपना स्तन पे जो दूध स्तन पे विष विष लगा के आई थी पूतना, और कृष्ण को मारने के लिए, और कृष्णा वो पूतना को और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में माँ का स्थान दिया। कृष्ण जब जब उनका उनका वध किया, कृष्णा जब ये पूतना का वध किया जब, तो उसके बाद पूतना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण का माँ का रूप में जन्म लिया, क्योंकि दूध पिलाने आई थी पूतना। तो वो भाव देखा कृष्णा, कृष्णा नहीं देखा कि क्या गलती है, मतलब पॉइजन को उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो इंटेंशन था माता का इंटेंशन था वो देखा कृष्ण, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में माँ का स्थान दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार राधा रानी आया था कृष्ण का घर पे, तो कृष्ण तो कृपालु है बहुत, तो हर दिन कृष्णा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने में देखा कि लाइन है, एक तो लाइन लगाने बोला, सब कोई कृष्ण के हाथ से प्रसाद लेना चाहता है। तो बहुत सारे बच्चे लोग तो लाइन लगाया, तो सबका हाथ में एक ठो कटोरा था, बाटी कटोरा, सबका हाथ में कटोरा लेके सब लाइन में खड़ा हो गया। कृष्ण प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, सबका हाथ में प्रसाद देगा। तो लाइन बहुत बड़ा लाइन लग गया, तो राधा रानी दूर से देख रही थी। तो कृष्ण सबको प्रसाद दे रहा है। अब एक ठो बच्चा का क्या हुआ, एक ठो बच्चा कटोरा लाने भूल गया, और कटोरा नहीं था उनके हाथ में। तो कृष्ण क्या बोला, तुमको नहीं मिलेगा प्रसाद, तुम जाओ कटोरा लेके आओ, नहीं मिलेगा प्रसाद। तो राधा रानी वो सुन के वो देख के बहुत दुखित हो गया, अरे इसको प्रसाद नहीं मिला, कृष्ण ऐसा ये कटोरा नहीं था फिर भी प्रसाद नहीं दिया, ऐसे क्वालिफिकेशन रख दिया कि कटोरा होना चाहिए हाथ में। तो राधा रानी तब बहुत दुखित हो गया और रोने लगी। तो कृष्णा वो देखा, तो इसीलिए कृष्णा उसी टाइम पे बोला कि कलयुग में हम आएंगे चैतन्य महाप्रभु का रूप में, तब मैं कोई क्वालिफिकेशन मैं देखूंगा नहीं, उतना जो क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है सबको कृष्ण प्रेम वितरण करूंगा। राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु आया कलयुग में, और कृष्ण प्रेम को हर एक में अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड सब लोग में वितरण कर रहा है। तो शिला प्रभुपाद वही चैतन्य महाप्रभु का कृपा को पूरा दुनिया में लेके गया है, अफ्रीका अमेरिका जापान चाइना, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड वॉट एवर, एवरी वन इज गेटिंग द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु टूडे। तो जो छे तो प्रिंसिपल है, तो पहला प्रिंसिपल है बींग एंथुजियास्टिक, द सेकेंड वन इज एंडिवरिंग विथ कॉन्फिडेंस, एंडिवरिंग विथ कॉन्फिडेंस, थर्ड वन इज बींग पेशेंट, धैर्य, fourth is acting according to regulative principles such as shravanam kirtanam vishnu smaranam hearing chanting and remembering krishna, fifth one is abandoning the association of non devotees, and sixth one is following in the footsteps of the previous acharyas. These six principles undoubtedly assure the complete success of devotional service. तो ये कंप्लीट सक्सेस को
अगर कोई पाना चाहता है डिवोशनल सर्विस में, तो ये 6 प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत ही एसेंशियल है इफ़ यू वांट सक्सेस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो शिला प्रभुपाद जब वृंदावन में था, तब उनके कुछ शिष्य एक दिन क्या हुआ कि पीकॉक का ड्रेस में आ गया, मयूर का ड्रेस में आ गया। शिला प्रभुपाद बोला, अरे क्या हो गया तुम लोग को, मयूर का ड्रेस में तुम लोग, और मयूर जैसा नाच रहा था वो लोग उस टाइप से। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उनके जो कुछ शिष्य है वो वृंदावन के कुछ दूसरे बाबा जी के पास गए थे। तो बाबा जी के पास गया तो बोला कि अरे देखो, तुम्हारा श्रील प्रभुपाद तुमको सब कुछ नहीं दे रहा है, तुमको पता है कि तुम्हारा क्या स्वरूप है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, डू यू नो, तुमको पता है क्या है? और नहीं, हम नहीं जानते, हमको पता नहीं क्या है मेरा स्वरूप। तो तुम पीकॉक हो, यू आर पीकॉक ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बोल रहा, हाँ सही में पीकॉक हूँ, कैसे, ये तो मैं नहीं जानता था। देखो, तुम्हारा श्रील प्रभुपाद जी तुमको नहीं बताया कि तुम पीकॉक हो। तो वो लोग क्या किया कि पीकॉक का ड्रेस में आ गया और पीकॉक जैसे नाचने लगा। तो श्रील प्रभुपाद जब देखा कि अरे ऐसे नाच रहा है पीकॉक का ड्रेस में, देन श्रील प्रभुपाद टोल्ड दैट सी, तुम लोग सब वेस्टर्न वर्ल्ड में तुम लोग सब पूरा पाप में डूबे हुए थे, तो अभी तुम लोग को चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल रहा है, बट यू आर डिविएटिंग। सो सडनली कोई अपना स्वरूप उतना आसान नहीं है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई अपना स्वरूप इतना आसानी से जान लेगा। इट्स नॉट सच ए चीप प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ सहजिया। सहजिया इट्स नॉट दैट चीप। श्रील प्रभुपाद वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू सहजियास। तो वही लोग जो पीकॉक की तरह डांस कर रहे थे, कुछ लोग श्रील प्रभुपाद के ही शिष्य, कुछ दिन पीकॉक की तरह डांस किया और फिर और कृष्ण भावनामृत में ही नहीं रहा। तो देखिए, हम लोग को इसलिए जो फिलोसॉफी है वो बहुत अच्छे तरीके से जानना है, देन वी विल बी एबल टू प्रोसीड नाइसली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और अनडिविएटेड वे। ये तो हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ में कभी भी माया आके अटैक कर सकता है। कली और माया, ये दो जो व्यक्ति है, कलियुग एक व्यक्ति है एक्चुअली, कली पुरुष, वो हमेशा चाहता है क्या चाहता है कली पुरुष, कि चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट इंक्रीज ना हो। That's what Kali wants every time. So we should be careful with respect to Kali. और Kali कैसे enter करता है हम लोग का जीवन में, भक्तों का जीवन में कैसे enter करता है? तो Kali enter करता है, पहले तो ये चार प्रकार के पाप के माध्यम में Kali enter करता है भक्तों का जीवन में। अगर वो चार प्रकार के पाप करता है तो कोई मान लीजिए नशा कर रहा है, तो कली एंटर कर जाएगा उसका हृदय में और उसको भक्ति करने नहीं देगा। कोई मान लीजिए दारू पी रहा है, भक्ति कर रहा है दारू पी रहा है, तो वो भक्ति छोड़ देगा कुछ दिन बाद, तो कली उसका हार्ट में एंटर कर जाएगा। Someone is doing meat eating, then also you'll not be able to understand Krishna because he is doing violence against Krishna's children. So कली भी एंटर कर जाएगा उसका हार्ट में, you will be disturbed by Kali. Someone is doing gambling, gambling karega to uske through bhi Kali enter kar jayega. Shrimad Bhagavatam mein diya hai Kali ka ye char sthan hai, Kali ka ye char sthan hai. Aur fir illicit sex koi karega to
और उसके उसके भी हार्ट में इम्प्योर हो जाता है उसका हार्ट, और कली एंटर कर जाता है, उसको डिविएट कर देता है भक्ति में, बहुत डिस्टर्ब करता है उसको। यू शुड बी केयरफुल अबाउट कली। ये एक ये चार उपाय है कली के हाथ में। कलियुग 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 का जो पुरुष है, कली पुरुष, उसके हाथ में ये चार अस्त्र है। लेकिन कोई भक्त अगर ये चार प्रकार के पाप नहीं कर रहा है तब भी उसके पास और एक अस्त्र है घुसने का। मान लीजिए कोई मांस नहीं खा रहा है, कोई नशा नहीं कर रहा है, इलिसिट सेक्स नहीं कर रहा है, गैम्बलिंग नहीं कर रहा है, तो कली और एक उपाय है जिसके माध्यम से भक्तों का लाइफ में एंटर करके उसको डिस्टर्ब कर देता है। वो उपाय है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का माध्यम से वो घुस जाता है और उस तरीके से उसको भक्ति से हटा देता है। जैसे शिला प्रभुपाद के संग में थे ये डिसाइपल्स, लेकिन क्या हुआ, इधर उधर भटक गए, कोई कुछ बोल दिया, अरे प्रभुपाद जी तुम लोगों को सही चीज नहीं दे रहा है, तुम पता नहीं तुमको पिकॉक है कि क्या है, बस पिकॉक बनने गया, बस भक्ति का ही पूरा स्पिरिचुअल लाइफ गॉट स्पॉइल्ड। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिप्ट इन बिटवीन श्रील प्रभुपाद विद रिस्पेक्ट टू हिज ओन स्पिरिचुअल मास्टर। सो दिस इज अनदर वे बाई विच कली एंटर्स इन टू अवर स्पिरिचुअल लाइफ थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। Therefore, we should always consult with devotees, with senior devotees. Any doubt comes, कोई भी doubt आता है तो consult करना चाहिए। जैसे मैं अभी अभी देख रहा था, एक जन मेरे को WhatsApp किया, मैं खोला नहीं, वो सीन नहीं किया WhatsApp, but last line I saw that इसके बारे में आपका क्या धारणा है, इस्कॉन का क्या व्यू है इसके बारे में, मैं ये देखा, कोई मेरे को व्हाट्सएप किया, तो डेफिनेटली ही सॉ समथिंग इन यूट्यूब और ही सॉ समथिंग थिंग्स एंड व्हाटएवर, सो ही हैज रिटन टू मी इन व्हाट्सएप। सो दिस इज ओके। एनी डाउट कम्स, एनी कन्फ्यूजन कम्स, कंसल्टेशन इज वेरी एसेंशियल। सो दैट इफ वी डोंट हैव दैट कंसल्टेशन, ए पर्सन टू कंसल्ट, then it is very difficult in our spiritual life. In my spiritual life also, I have devotees with whom I can consult anytime. Any kind of doubt comes in my mind, I consult with them. So doubt will come, but we have to consult with the right person. Aisa nahi hai ki galat vyakti ke paas jaake consult kiya, aisa nahi hai. The right person we have to go and consult, that whatever confusion is coming in my mind, please try to help me in this regard. So Shuddha Bhakti, spiritual life is not imaginary ecstasy. कभी कभी होता है कि भाव आ जाता है बहुत, भाव में मैं अपना लाइफ में मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखा कि दो दिन का भाव आ जाता है, बहुत भक्ति करता है दो दिन और फिर गायब। मान लीजिए दो महीना बहुत इंटेंसली भक्ति कर लिया, भाव आ गया बहुत बड़ा, लेकिन बस उसके बाद कहाँ चल गया पता नहीं, सब बोलता है अरे प्रभु जी वो भक्त कहाँ चल गया। सो भक्ति लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट इमेजिनरी एक्सटेसी, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, इट इज साइंस, एंड वी हैव टू प्रोसीड इन द वे द आचार्यस हैव टोल्ड। गुरु परंपरा जैसे बोला है उस तरीके से सिस्टमेटिकली हम लोग को आगे बढ़ना है। इट्स अ मैराथन रेस, इट्स नॉट ए T20 गेम। अभी क्या सोचता है सब लोग, अभी T20 गेम का जमाना आ गया है, वन डे क्रिकेट का जमाना आ गया है, सब सोचता है एक बॉल में छक्का मारेंगे, दो छक्का मारेंगे, मैच जीत जाएंगे, ऑन स्पॉट, इट्स जस्ट वही मोमेंट का बात है। लेकिन भक्ति लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं है, ये मैराथन रेस है, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो कुछ कुछ जैसे देखिए, कुछ कुछ ऐसे गेम्स होता है जो इंस्टेंट परफॉर्मेंस में डिपेंड करता है, लेकिन मैराथन रेस एक तो रेस होता है जो मतलब कि ओलंपिक में भी होता है, उसमें क्या है वो इंस्टेंट नहीं है, उसमें बहुत लंबा रेस है, वो बहुत लंबा लंबा स्थिति में कैसे मैनेज करता है उसका दौड़ को, वो मैटर करता है। पहले जोर से भाग गया,
पहले जोर से दौड़ गया बस, उसके बाद कुछ दिन बाद बस ये हो जाता है। तो हम लोग को देखना चाहिए कि द स्पिरिचुअल लाइफ इट्स अ थिंग ऑफ इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, इट्स अ थिंग ऑफ इटर्नल नेचर, इट्स स्पिरिचुअल कम्प्लीटली। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल टू प्रोटेक्ट आवर स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ हम लोग को बहुत रेयर है, स्पिरिचुअल लाइफ। वंस वी गेट गॉट दिस स्पिरिचुअल लाइफ, वी शुड नॉट वेस्ट दिस वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी। एंड कली एंड माया विल बी ऑलवेज रेडी टू स्नैच स्पिरिचुअल लाइफ फ्रॉम अस। ये एक बहुत अमेजिंग चीज है। कली और माया बहुत तरीके का बुद्धि लगाते रहते हैं। ये चोर पुलिस का भी खेल चलता है, जैसे कि चोर जैसे भागते रहता है, पुलिस को चकमा देने का कोशिश करता है। तो कली और माया देखता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, कुछ भी मिस्टेक मिलेगा इधर उधर कैसे भी घुस जाओ उसका लाइफ में और उसको डिस्टर्ब कर दो, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है। इसलिए हम लोग को स्पिरिचुअल प्रिंसिपल में हम लोग को बहुत स्टेडी रहना बहुत जरूरी है। विशेष करके कोई जो चैंटिंग है, चैंटिंग का बारे में बहुत सिंसियर रहना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद टोल्ड दैट इफ यू हैव टू रिमेन स्टेडी इन स्पिरिचुअल लाइफ, तो सोलामाला चैंटिंग और चार नियम पालन आप अगर करेंगे तो आप स्टेडी रहेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में। तो श्रील प्रभुपाद हिमसेल्फ हैज टोल्ड दिस फॉर्मूला। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी इज मोस्ट वैल्यूएबल बोट एंड द स्पिरिचुअल मास्टर इज द कैप्टन, गुरु कर्णधारम, to guide the boat in plying across the ocean of nescience. तो इस ये जो material world है, ये material world actually this is an ocean of nescience, अविद्या का एक सागर है ये। तो उस अविद्या का सागर में, ocean of nescience में, ये human form of body एक boat का तरह है, ship का तरह है। It's a strong boat or a strong ship. And who is guiding this ship? उस ship को कौन चला रहा है? Captain कौन है? उस ship का captain है गुरु, spiritual master, गुरु कर्णधारम। The instruction of Krishna is favorable breeze. जो भगवान जो instruction दिया है भगवत गीता में, श्रीमद भागवतम में, जो वैदिक शास्त्र है, these are favorable breeze. That means it helps us. Helps the ship or the boat to go to the right direction. One must use all these facilities to cross over the ocean of nescience. Since the spiritual master is the captain, one must serve the spiritual master very sincerely so that by his mercy, one will be able to get the mercy of the Supreme Lord. So captain ka instruction se pura boat, pura ship chalta hai. Koi lekin captain इंस्ट्रक्शन, अगर बोट का दूसरा जो कर्मचारी है कैप्टन का इंस्ट्रक्शन नहीं पालन करेगा तब वो ठीक तरीके से वो खुद ही वो ठीक ठाक से बोट को लेके नहीं जा पाएगा। तो ये हम लोग को समझना चाहिए कि दिस स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी इज वेरी वेरी मर्सीफुल। तो ये जो देखिए हम लोग जो इस्कॉन सोसाइटी में है, हम लोग इस्कॉन में हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग एक बोट में हैं। इस्कॉन रूपी जो आंदोलन, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, इसमें ये एक बोट का तरह है। और इस बोट का कैप्टन कौन है? इस बोट का कैप्टन है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद हम लोगों को लेके जा रहा है कहाँ पे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन इस बोट से अगर कोई उतर जाएगा तब वो फिर मेटेरियल वर्ल्ड का ओशन में वो फिर गिर जा रहा है। तो बोट से नहीं उतरना है। श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन, जो कैप्टन है श्रील प्रभुपाद, उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करते रहना है और इस्कॉन सोसाइटी का भक्तों का संग में रहना है। भक्तों के साथ कोऑपरेशन करके भक्तों के एसोसिएशन में आगे बढ़ना है। कई बार थोड़ा चैलेंजेस आ सकता है, माया इधर उधर चैलेंज दे सकता है, कली इधर उधर चैलेंज दे सकता है, लेकिन उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। वी हैव टू फर्मली बी इन दैट बोट। कोई बोट से अगर कोई शिप से उतर जाएगा तब कोई फायदा नहीं होगा, तब फिर से समंदर में गिर जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो इस्कॉन सोसाइटी है,
श्रील प्रभुपाद बोला है कि जो इस्कॉन है ये मेरा शरीर है, दिस इज द बॉडी, दिस इज माय बॉडी, श्रील प्रभुपाद टोल्ड. सो वी शुड नॉट, वी शुड रेस्पेक्ट दिस बॉडी, वी शुड रेस्पेक्ट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड वी शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड विद इस्कॉन. वी शुड नॉट लीव इस्कॉन. That is the important thing, that we should not leave this boat or this ship. We should not get down from this ship at any cost in our life. Chaitanya Charitamrita mein ek bahut hi sundar shlok aata hai. Doite bhadra bhadro jnana shabo mano dharmo ei bhalo ei mondo ei shabo bhramo. Kaushik Prabhu, can you read this translation? In the material world, conceptions of good and bad are all mental speculation. Therefore, saying this is good and this is bad is all a mistake. Good plans or bad plans, all are false plans. Yes. So sometimes we think that if I plan like this, then I will become happy. Everyone is planning actually. इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बिना प्लान के है. मैं अपना जीवन में you know, I have seen even mad persons also making plans. Mad person also makes plan how he will make money in the next 1 year. I have seen. So everyone is making plan. No one is free from this plan making business. बट क्या होता है, एक प्लान बनाता है कोई, वो फेल हो जाता है, तब बहुत क्या होता है, बहुत कष्ट होता है. तब वो सोचता है कि अरे ये मैं जो प्लान बना है ये खराब प्लान था, मेरे को अच्छा प्लान बनाना है ताकि मैं सक्सेस पाऊँ. तो अच्छा प्लान के बारे में सोचता है वो. बट लेकिन एक चीज वो भूल जाता है कि मेटेरियल वर्ल्ड में चाहे वो अच्छा प्लान बनाए या फिर बुरा प्लान बनाए, ऑल द प्लान्स आर टेम्पोररी. And all the plans will actually end. All the plans will be finished with time. Even if he's making good plans, materially good plans, that will also be finished, and bad plans will also be finished. Time is so powerful. Everything is finished with time. So these plans are temporary, and in that sense, these are false plans. So real planning in our life is to plan that how we can please Krishna in this lifetime and we can go back to the spiritual world after this lifetime. This planning we need to do. Bina planning ke koi nahi reh sakta hai. Koi spiritual plan banayega to koi material plan banayega. Plan to banana hi hai. Lekin kahi baar hota hai aisa ki log ka bahut plan hota hai. Lekin suddenly all the plans are completely ended with death. अपना जीवन में बहुत प्लान बना के रखा, लेकिन सडनली क्या हुआ, सडनली कोरोना वायरस आ गया, सब प्लान चौपट हो गया, वो मर ही गया पूरा. तो मेटेरियलिस्टिक प्लान्स का ये डेंजर है. लेकिन स्पिरिचुअल प्लान बनाएंगे, स्पिरिचुअल प्लान का कोई वो, दैट इज नेवर डिस्ट्रॉयड. Krishna protects. Yogakshemam vahami aham. We will see this verse from Bhagavad Gita. Krishna protects the plans, the spiritual plans of the devotees. So, Shuddha Bhakti ka definition. Hum log dekhenge, Shuddha Bhakti ka definition kya hai? What is the definition? Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion mein ye diya hua hai. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानकर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा. रघुनाथ प्रभु, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन. उत्तमा भक्ति और अनअलॉयड डिवोशन अनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा involves the rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of
fruitive karma, impersonal gyan, and all other selfish desires. Yes. So a pure devotional service means that there is only one motive to please Krishna, and within that it is completely free of fruitive karma. Fruitive karma means that I want something for my personal benefit. This is fruitive karma. I want some result from devotional service, for my material results from devotional service. That is fruitive karma. And impersonal gyan, that means he has a desire to merge into the Brahma Jyoti. The Brahma Jyoti is nothing but the rays that are coming out of Krishna's body. So impersonalists, they are desiring to merge into the Brahma Jyoti. Their life's goal is to merge. Usme Brahma Jyoti mein bilin ho jana unka goal hai. To wo ye do cheez se jo bhakti, ye do cheez se free hai. Fruitive karma aur impersonal gyan. And all other kinds of selfish desires. Apna khud ke liye desires jo hai. उससे फ्री है जो भक्ति, ये तीन चीजों से फ्री है, फ्रूटिव कर्म, इंपर्सनल ज्ञान एंड ऑल अदर सेल्फिश डिजायर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर्स. तो ये है शुद्ध भक्ति. शुद्ध भक्ति में कोई कर्म और ज्ञान नहीं रहता है. अगर कर्म रहता है भक्ति के साथ तो कर्म मिश्रित भक्ति हो जाता है. कर्म मिश्रित भक्ति मतलब क्या है? कर्म कांड, वेद में कर्म कांड सेक्शन है. ये कर्मकांड सेक्शन क्या है? वेद का ज्यादातर पार्ट ही है कर्मकांड सेक्शन. तो ये कर्मकांड सेक्शन में क्या बोला गया है कि तुम ये कर लोगे तो तुमको स्वर्ग लोक में जाने को मिलेगा. स्वर्ग लोक में बहुत एंजॉयमेंट है, उधर अप्सराए है, अप्सराए के साथ एंजॉय कर सकता है, बहुत ज्यादा फैसिलिटी है एंजॉय करने का. जैसे एंजॉयमेंट इंद्र चंद्र देवता लोग करता है स्वर्ग लोक में. तो ये सब कर्मकांड चीज क्या है कि एंजॉयमेंट के लिए डिफरेंट उपाय बोला गया है. तो याम, एक श्लोक है भगवत गीता में, याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदंती अविपश्चिता देन वेद वाद रता पार्थ नान्यात अस्तीति वादिना. ये एक श्लोक है भगवत गीता में, भगवान बोल रहा है याम इमाम पुष्पिताम वाचाम, द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास. वेद में बहुत फ्लावरी वर्ड्स, बहुत कुछ है. ये कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वर्ग में चल जाओगे, फ्लावरी वर्ड्स. याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदंती अविपश्चिता, कृष्ण खुद बोल रहा है. वेद को कौन दिया है? कृष्ण ही दिया है. और वेद का भी सब कुछ कृष्ण ही बता रहा है भगवत गीता में, वेद का सार क्या है. वेद वाद रता पार्थ नान्यात अस्तीति वादिना. वेद वाद, ये पार्थ अर्जुन को कृष्ण बोल रहा है कि देखिए फ्लावरी वर्ड्स में, वेद का फ्लावरी वर्ड्स में फंस जाना नहीं है. वेद का जो अल्टीमेट गोल है उसमें वेदस्य सर्वे अहम एव वेद्यो, उसमें फोकस करना है. कर्म कांड सेक्शन में फोकस करके अल्टीमेट बेनिफिट नहीं होगा. जब व्यासदेव पूरा वेद को लिखा, गणेश जी का माध्यम से पूरा वेद को जब लिखा व्यासदेव, तब व्यासदेव पूरा वेद को लिखने के बाद वेदांत सूत्र लिखा. वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी व्यासदेव हैप्पी नहीं था. व्यासदेव वॉज नॉट हैप्पी. ही वॉज मोरोस स्टिल. वाई? ही कुडंट अंडरस्टैंड दैट क्यों हम मोरोज है. तो इसलिए गुरु के पास गया, नारद मुनि, व्यासदेव का गुरु जी, उनके पास गया. तो नारद मुनि बोला कि तुम ये कर्म कांड, ये चीज में ही सिर्फ फोकस किया है. तो इसमें तो आत्मा इस मेटेरियल वर्ल्ड से निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाने वाला है. तो तुम श्रीमद भागवतम का कंपोज करो, श्रीमद भागवतम लिखो तुम. तो यहाँ पे कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन किया गया है और कृष्ण का भक्ति का ग्लोरिफिकेशन किया गया है. तो तब जब श्रीमद भागवतम कंपोज करने के बाद
श्रील व्यासदेव का मन शांत हुआ। श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बोला जाता है, जहां पे कोई भी ये कर्म और ज्ञान ये चीज का कोई भी ट्रेस नहीं है, सिंपली बेस्ड ऑन प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति का ऊपर आधारित है श्रीमद् भागवतम पूरा पूरी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में बोला है, रिकमेंड किया है कि 9 प्रकार के उपाय है भक्ति करने का, भगवान का भक्ति करने का 9 प्रोसेसेस है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। तो ये 9 प्रोसेसेस क्या है? ये 9 प्रोसेस है। फर्स्ट वन, हियरिंग द नेम एंड ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। श्रवणम, भगवान का नाम और भगवान का गुण कीर्तन सुनना। सेकेंड वन इज चैंटिंग इज ग्लोरीज इंक्लूडिंग इज नेम्स। तो हियरिंग चैंटिंग, इसमें चैंटिंग आ जाता है। थर्ड इज रिमेंबरिंग द लॉर्ड, भगवान का स्मरण करना, ये भी भक्ति है। रिमेंबरिंग द लॉर्ड, इफ यू रिमेंबर व्हाइल यू आर टेकिंग वाटर, जब पानी पी रहे, कृष्ण इज टेलिंग आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, जब पानी पी रहे हैं तब कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं, दिस इज भक्ति। कृष्ण इज टेलिंग इन भगवद गीता दैट माय टू आईज आर द सन एंड द मून। कृष्ण का विराट रूप का 2 आंख है, ये सन एंड मून। तो जब सन और मून को देख रहे हैं, हम लोग याद कर सकते हैं भगवान का विराट रूप, भगवान कृष्ण को याद कर सकते हैं, कैसे कृष्ण विराट रूप दिखाया अर्जुन को। सर्विंग द लॉर्ड्स लोटस फीट, जैसे लक्ष्मी देवी जब भगवान का पाद सेवनम में कंप्लीटली बिजी है। वर्शिपिंग द डेटी, विग्रह का सेवा करना, विग्रह का दर्शन करना, भगवान का विग्रह का दर्शन करेंगे तो हम लोग का जो मन है उसको आराम से भगवान के चरण पे लगा पाएंगे। ऑफरिंग ओबेसेंसेस अनटू द लॉर्ड, तो कैसे भगवान को प्रणाम करना, भगवान के पास झुकना। 7, एक्टिंग एज द लॉर्ड सर्वेंट, भगवान का सेवा करना, भगवान के लिए, भगवान का हित के लिए जो है, भगवान जो चाहता है वो उस चीज को करना, भगवान का सेवा करना। हनुमान जी देखिए, रामचंद्र भगवान का कितना सेवा किया था, हनुमान जी ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड। मेकिंग फ्रेंड्स विद द लॉर्ड, भगवान के साथ दोस्ती करना, अर्जुन भी भगवान के साथ दोस्ती किया था, तो इसलिए भगवान बोल रहा है कि हम तुमको क्यों भगवत गीता का नॉलेज दे रहे हैं। भगवान बोला भक्तोसि माम सखा चेति, तुम मेरा भक्त है और मेरा सखा है, फ्रेंड, एंड यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी, आप मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, आप मेरे भक्त हो और मेरे फ्रेंड हो। भक्तोसि माम सखा चेति, इसलिए मैं आपको भगवत गीता का नॉलेज दे रहा हूँ, कृष्ण इज टेलिंग टू अर्जुन। एंड द 9th, सरेंडरिंग वनसेल्फ फुल्ली टू द लॉर्ड। बलि महाराज कैसे भगवान के पास पूरा तरीके से सरेंडर किया था। वामन देव आया था 3 पद भूमि मांगने, तो वामन देव पहला स्टेप से पूरा ऊपर का प्लैनेटरी सिस्टम्स को नाप लिया, सेकंड स्टेप से दूसरा नीचे का सब पूरा नाप लिया, थर्ड स्टेप अभी जगह नहीं है, पूरा ब्रह्मांड में जगह नहीं है, कहाँ पे रखेगा। तो बलि महाराज बोला कि मेरा सर पे रखिए, पूरा पूरी सरेंडर किया भगवान के प्रति। तो भगवान बहुत खुश था, तो बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बना दिया, और बलि महाराज वामन देव वहां पे गेटकीपर की तरह सेवा किया था। बलि महाराज का जहाँ पे राज्य था, बलि महाराज का जहाँ पे जो किंगडम था, वहां पे गेटकीपर होकर सेवा किया वामन देव, सोचिए। और लक्ष्मी जी को आना पड़ा उनको लेके जाने के लिए, बहुत दिन से वैकुंठ में नहीं था, तो बलि महाराज से रिक्वेस्ट करके वामन देव को लेके गया लक्ष्मी जी फिर। तो देखिए भगवान अपना भक्तों के लिए कितना सैक्रिफाइस करता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, inquire from him submissively and render service unto him.
The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. गुरु के पास कैसे अप्रोच करना है ये इस बारे में बोला गया है इस भगवद गीता का श्लोक में. तद्विद्धि प्रणिपातेन, ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस अनटू हिम. तो जो गुरु जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको पालन करना ही उनका सेवा है. जैसे इसको उनके दीक्षा गुरु दे गिव द इंस्ट्रक्शन, चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, दिस इज एक्चुअली सर्विस टू देम इफ यू फॉलो दिस एज इट इज. ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. मोहित प्रभु कैन यू रीड the translation. Hare Krishna, Mohit Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. In the course of traversing the universal creation of Brahma, some fortunate soul may receive the seed of Bhakti Lata, the creeper of devotional service. This is all by the grace of Guru and Krishna. Bhakti Lata Beej. गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. ये इस ब्रह्मांड में बहुत जीव है, करोड़ों करोड़ों जीव है, लेकिन तो फॉर्चुनेट सोल बहुत ही भाग्यवान जो जीव है वही भक्ति लता को पाता है. कितने मनुष्य है देखिए मेटेरियल वर्ल्ड में मेटेरियलिस्टिक काम में पूरा बिजी है, बट ओनली फ्यू फॉर्चुनेट सोल्स गेट दिस भक्ति लता बीज ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गुरु एंड कृष्णा. गुरु और कृष्ण के कृपा से ये भक्तिलता बीज मिलता है और भक्तिलता बीज को हम लोगों को इसलिए प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. सो एंथुजियाज्म, हम लोग अभी आएंगे एंथुजियाज्म का ऊपर, जो पहला एक वन ऑफ द सिक्स इंपॉर्टेंट वेज ऑफ एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ एंथुजियाज्म. One has to be very enthusiastic in devotional service. Enthusiasm means action. But action for whom? The answer is that one should always act for Krishna. Krishnartha kila, Krishnartha kilo cheshta. Bhagwan Krishna ke liye cheshta. Enthusiasm means action for Krishna's pleasure. That is enthusiasm. Enthusiasm is not something artificial thing. It is action which is meant to please Krishna. Krishna ko please karne ke liye jo karya hai, wahi enthusiasm hai. Aur wo utsah ko barkarar rakhna chahiye. Us utsah ko, that eagerness to do some action for the pleasure of Krishna, that is to be continued, and that is enthusiasm. शिला प्रभुपाद देखिए, शिला प्रभुपाद 40 इयर्स तक फेलियर हो गया था भारत में प्रचार करने के लिए. 40 इयर्स फेलियर होने के बाद भी ऐसा नहीं कि प्रभुपाद हार मान लिया. प्रभुपाद अमेरिका गया 70 साल का उम्र में. तो देखिए शिला प्रभुपाद जी कभी नहीं सोचा कि मैं तो इंडिया में प्रचार करने के लिए 40 साल तक फेलियर हो गया तो अभी मेरा कोई उपाय नहीं है, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, अभी कोई होप नहीं है, अभी डिस्करेज होकर बैठे रह सकता था, वृंदावन में ही भजन कर सकता था. वृंदावन में तो था ही, लेकिन वृंदावन में उनका रेस्पेक्ट था, सब कुछ था, लेकिन वो पोजीशन छोड़ के अमेरिका गया. इतना रिस्क उठाया 70 साल का उम्र में, और जाने के टाइम दो हार्ट अटैक भी हुआ जल्दी जहाज में. तो इतना रिस्क उठाने का जरूरत क्या था, आराम से तो जिंदगी जी सकता था. So that is, अगर श्रीला प्रभुपाद आराम से जिंदगी जीता तो हम लोग को आज भक्ति का ये साइंस को समझने में नहीं मिलता. So कंफर्ट जोन में कुछ होता नहीं है, कंफर्ट जोन में कोई महान कार्य नहीं होता है. कोई भी महान व्यक्ति आप देख लीजिए, दे वर नेवर इन कंफर्ट जोन. उन लोग का जीवन कभी आराम आराम से नहीं बीता है. भगवान के महान भक्त को ही देख लीजिए. तो ये है एंथुजियाज्म जो श्रील प्रभुपाद
दिखा के गया. सेकेंड एस्पेक्ट इज पेशेंस. द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज रिक्वायर्स बोथ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस. ये बहुत ही एसेंशियल चीज है समझने. ये पेशेंस और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है. ये धैर्य, धैर्य बहुत बड़ा चीज है. अरे थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो लोग क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है और भक्ति को छोड़ देता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. पेशेंस, जो धैर्य रखना, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इट हैपेंस. एक दिन में हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे. ये परफेक्शन स्टेज होता है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोग कौन है, ये अल्टीमेट रिलेशनशिप को जानना, अपना स्वरूप सिद्धि बोला जाता है उसको. ये स्वरूप सिद्धि ऐसा नहीं कि दो दिन प्रैक्टिस कर लिया, दो दिन भक्ति कर लिया हो जाएगा, दो साल भक्ति कर लिया हो जाएगा. हम लोग करोड़ों जन्म तक सेंस ग्रेटिफिकेशन करते आए हुए हैं, एक लाइफ से दूसरा लाइफ, कभी कभी चूहा का लाइफ में, कभी बिल्ली का लाइफ में, कभी ऊंट का लाइफ में, कभी घोड़ा का लाइफ में. करोड़ों साल से सेंस ग्रेटिफिकेशन करते आए हुए हैं. तो इतना आसान नहीं है कि एक दो साल में ही सब कुछ हो जाएगा, या फिर चार पांच साल में ही सब कुछ हो जाएगा. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. और यही मैराथन रेस में जो जो टीके रह पाएगा वही अल्टीमेट सक्सेस को पाएगा, वही कृष्ण को पाएगा. सो इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस. कृष्ण के ऊपर कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस अपने बल के ऊपर नहीं रहना चाहिए, अपने कैपेबिलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए. कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कृष्ण पे. कृष्ण देखिए, श्रील प्रभुपाद का कॉन्फिडेंस था, उनका गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन में कॉन्फिडेंस था, उनका खुद का एबिलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं था. उनका खुद का एबिलिटी क्या था बोलिए, 70 साल का था, बुढ़ा हो चुका था. तो अपना एबिलिटी में उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस था कृष्ण का ऊपर, गुरु का इंस्ट्रक्शन के ऊपर, और कृष्ण का नाम का ऊपर कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये भगवान का नाम अगर हम लेके जाएंगे अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो इसका इफेक्ट होगा ही होगा. अमेरिका जाके भी पहला एक साल बहुत दिक्कत हुआ, कुछ सक्सेस नहीं मिला प्रभुपाद को. फर्स्ट वन ईयर वॉज सो डिफिकल्ट. रहने का जगह नहीं था, टाइपराइटर चोरी हो गया था, सब गड़बड़ चल रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं खोया. अगर खुद का ऊपर कॉन्फिडेंस रखता तब मुश्किल था, लेकिन कृष्ण और गुरु का ऊपर कॉन्फिडेंस था. ये बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट है समझना. वी शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन कृष्ण एंड गुरु. हम लोग का लाइफ में क्या होता है, हम लोग को कोई मान लीजिए कोई बोल देता है, कोई कुछ बोलता है, मान लीजिए कुछ खराब बोल दिया, कुछ ये हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं उस टाइम पे, हम देख लेंगे तुमको, हम देख लेंगे, ठीक है. लेकिन उसके बाद क्या होता है, देख नहीं पाते फिर बाद में जाके. तब सोचते हैं बोल तो दिए उस टाइम पे, लेकिन देख नहीं पाता. तो कॉन्फिडेंस कृष्ण के ऊपर होना चाहिए. अगर स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है तो वो परमानेंट रहेगा, वो सच साबित होगा. एक तो स्टोरी हम बताएंगे जो कलयुग में ही हुआ, आज से 300-400 साल पहले. तो एक बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में विष्णुपुर बोल के एक जगह है. तो विष्णुपुर जगह में यहाँ पे एक राजा था, उनका नाम था गोपाल सिंह. तो बांकुड़ा का विष्णुपुर जो है, ये यहाँ पे भक्ति का बहुत मतलब प्रचलन था उस टाइम पे. सब लोग भक्त था, ऑलमोस्ट सब लोग भगवान के भक्त था. तो राजा गोपाल सिंह उनका राज्य में मराठा लोग अटैक किया, मराठा से, उन लोगों को बोर्गी बोला जाता है, बोर्गी बंगाली में बोला जाता है. तो बोर्गी जब अटैक किया मराठा किंगडम से, तब सडनली एक दिन रात को अटैक किया. तो राजा ये कृष्ण सिंह के पास उतना गोपाल सिंह के पास इतना सैन्य नहीं था कि उन मराठा लोगों को हरा पाए.
लेकिन राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो राजा उस दिन रात में भगवान का पूजा कर रहा था, तो सडनली एक जन आके बोला कि राजा आपका राज्य में अटैक किया है, बोर्गी लोग, मराठा लोग अटैक किया है। तो राजा बोल रहा है कि ठीक है हम लोग लड़ेंगे, अभी तो भगवान का पूजा कर रहा हूं मैं, पूजा को खत्म करके उसके बाद हम लड़ने जा रहे हैं। तो राजा पूजा खत्म करके जब गया लड़ने के लिए, तलवार निकाला सब गया, तब देखा कि पूरा जो है मराठा आर्मी था पूरा खत्म हो गया, मराठा आर्मी पूरा लाश पड़ा हुआ है इधर, पूरा एकदम लाखों का संख्या में लाश पड़ा हुआ है, ये कैसे हुआ? तो फिर बहुत लोग बोला कि कृष्ण खुद आया था और खुद तोप दाग के सबका वध किया, मराठा आर्मी को डिफीट किया कृष्ण खुद। तो दिस इज द सेम कमान, इसको बोलता है दलमदल कमान, ये कैनन कृष्णा इसको चलाया था, ये बांकुड़ा का विष्णुपुर में अभी भी है। तो राजा गोपाल सिंह देखिए उनका विश्वास था भगवान के ऊपर, ही कंप्लीटेड हिज पूजा एंड ही वाज हैविंग कॉन्फिडेंस दैट कृष्णा विल प्रोटेक्ट हिम। तो इस कॉन्फिडेंस के कारण देखिए भगवान खुद आके ये कमान चलाया, ये कैनन चला के सबका डिफीट किया मराठा राजा को। अर्जुन देखिए, अर्जुन क्या हुआ था कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड में, अर्जुन जब देखा कि उनका बेटा का हत्या हो गया, अभिमन्यु का जब हत्या हो गया, देखा अर्जुन प्रतिज्ञा ले लिया कि कल शाम तक मैं ये जयद्रथ को मार दूंगा, जयद्रथ को मेरे को मारना ही है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अर्जुन प्रतिज्ञा ले लिया, उसी रात को प्रतिज्ञा ले लिया। अब अर्जुन उस रात पे उस दिन पे जब प्रतिज्ञा ले लिया, जब अभिमन्यु का मृत्यु के बाद, तब टेंशन में आ गया कृष्णा टेंशन में आ गया कि क्या करना है। अर्जुन का कोई टेंशन नहीं था, अर्जुन का पूरा कॉन्फिडेंस था कृष्ण के ऊपर, वो तो पूरा प्रतिज्ञा ले लिया। उस रात को अर्जुन और पांडव, अर्जुन तो बहुत चैन से नींद ले रहा था पूरा, लेकिन कृष्णा उस रात को सो नहीं पाया। अर्जुन कृष्णा देखा कि अच्छा अर्जुन तो ये प्रतिज्ञा ले लिया, लेकिन क्या कैसे अर्जुन को प्रोटेक्ट करे, कैसे अर्जुन को प्रोटेक्ट करे। कृष्णा टेंशन में था उस रात में, लेकिन अर्जुन पूरा चैन से नींद ले रहा है, चैन का नींद सो रहा था। तो अर्जुन का इतना कॉन्फिडेंस था कृष्ण के ऊपर, कृष्णा का प्रोटेक्शन के ऊपर, तो कृष्णा अल्टीमेटली उनको प्रोटेक्ट किया। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए भगवान के ऊपर। अगर हम लोग भगवान के ऊपर और गुरु परंपरा के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब हम लोग भक्ति के मार्ग में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन कृष्णस प्रोटेक्शन। लेकिन कब एक लिविंग एंटिटी, एक जीवात्मा का कब कृष्ण का प्रोटेक्शन का ऊपर फेथ चला जाता है, कब ऐसा होता है? इन विच टाइम, मतलब कब भगवान का प्रोटेक्शन के ऊपर विश्वास उठ जाता है लिविंग एंटिटी का? एक ही केस में वैसा होता है, जब उनका प्लान, जब लिविंग एंटिटी का प्लान भगवान का प्लान से अलग हो जाता है, तब वो लिविंग एंटिटी, वो जीवात्मा कृष्ण का प्रोटेक्शन के ऊपर फेथ खो देता है। कृष्ण का प्लान है कि सबको स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके जाना है, भक्ति का मार्ग में लाना है सबको, ताकि सबका बेनिफिट हो। कृष्ण का किसी जरूरत नहीं है किसी का सेवा लेने का। कृष्णा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनंत कोटि वैश्य लक्ष्मी उनका सेवा कर रहा है। कृष्ण का किसी का सेवा लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ा है, लेकिन हम लोग का बेनिफिट के लिए कृष्णा ये चाहता है। लेकिन कृष्णा का ये प्लान है, लेकिन हम लोग का अगर प्लान रहेगा कि मटेरियल वर्ल्ड में ही रह जाए, तब हम लोग भगवान का प्रोटेक्शन के ऊपर हम लोग को फेथ वो चला जाएगा। सो आवर प्लान शुड बी अलाइंड विद कृष्णास प्लान, दैट इज वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट। तो ये सुर
सुर और असुर दो प्रकार के व्यक्ति है। सुर मतलब क्या है, जो भगवान का सुर में सुर मिलाता है वो है सुर, और जो भगवान का सुर में सुर नहीं मिलाता है वो है असुर। तो भगवान का सुर क्या है, भगवान का प्लान, भगवान का इंस्ट्रक्शन जो भगवत गीता में दिया गया है, उसमें जो सुर मिलाएगा उसको जो फॉलो करेगा वो है सुर, और असुर मतलब जो प्लान को रिजेक्ट कर देता है भगवान का प्लान को, वो हो गया असुर। अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। तो कृष्णा इस श्लोक में बोल रहा है, those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. तो भगवान, जो भगवान का भक्ति कर रहा है उस व्यक्ति में जो उनका है उसको प्रिजर्व करता है, जो चीज उसका है उसको प्रिजर्व करता है, और जो चीज उसका लैकिंग है वो भगवान उसको देता है। योगक्षेमं वहामि अहम्। देखिए कृष्णा सो नाइसली प्रोटेक्ट्स अस, ही गिव्स व्हाट वी लैक एंड ही प्रोटेक्ट्स व्हाट वी हैव। तो ये पेशेंस के बारे में, भक्ति में पेशेंस और कॉन्फिडेंस, इसके बारे में एक एग्जांपल दिया गया है कि देखिए मान लीजिए कि शादी हुआ किसी का शादी हुआ रिसेंटली, हम लोग का साथ कनेक्टेड एक भक्त का शादी हुआ राजापुर धाम में, मायापुर में, राजापुर में शादी हुआ, वैदिक वेडिंग हुआ। तो वो जादवपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट है इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से। तो उनका शादी हुआ, एक भक्त लड़की से शादी हुआ, वो भी भक्त है, तो वो वैदिक वेडिंग हुआ। तो यहाँ पे उसका पिक्चर नहीं है, दूसरा पिक्चर है। तो आई एम टेलिंग, जस्ट टेलिंग। सो तो देखिए जब शादी होता है तब अगर शादी होने के बाद अगर जो वाइफ है वो जिस दिन शादी हुआ उसी रात में बोल रहा है कि हमको बच्चा चाहिए, तो ऐसा होता है कभी? बोलिए, उसी दिन शादी हुआ उसी दिन बच्चा चाह रहा है तो होगा ऐसा? अपना हस्बैंड के साथ टाइम बिताना पड़ता है, धीरे धीरे नेचुरली वो हो जाता है, नेचुरली टाइम बीतने के बाद वो बच्चा आएगा। शादी जब हुआ है बच्चा तो जरूर आएगा। तो लेकिन उसी रात में अगर बोल दी कि नहीं इसी रात में बच्चा चाहिए, ऐसे थोड़े होते हैं। तो इसलिए भक्ति का प्रोसेस में भी गुरु कृष्ण का सेवा करते रहना है, तब एक दिन कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत हो जाएगा। लेकिन उस टाइम तक पेशेंस रहना पड़ेगा, और हम लोग को उत्साह, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस और पेशेंस, धैर्य बरकरार रखना पड़ेगा, तब जाके अल्टीमेट गोल कृष्ण प्रेम आराम से प्राप्त होगा। एंडीवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज उत्साह और एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मीन्स एंडीवरिंग विद इंटेलिजेंस, बुद्धि को यूज करके। भक्ति योग को बोला जाता है बुद्धि योग, इसमें बुद्धि का काफी खेल है, और भगवान परमात्मा का रूप में बुद्धि देता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देता है। दो प्रकार के इंटेलिजेंस होता है, ये भी एक एसेंशियल एस्पेक्ट है इसको जानना। देखिए बहुत लोग होता है, जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मेरा जो टॉपर था, मैं तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ा, जो टॉपर था वो हमेशा मतलब 90% के ऊपर मार्क्स स्कोर ऑलमोस्ट कर देता था, और सेकेंड टॉपर उसके आसपास भी नहीं रहता था। तो वो बहुत मतलब इंटेलिजेंट था, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत इंटेलिजेंट था। लेकिन मैं उसको बोला था, मैं जब फर्स्ट ईयर में था उसको बोला था कि तुम भी आओ भक्ति करो, चैंटिंग करो, तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया चैंटिंग के चीज में, भक्ति का चीज में। तो लास्ट ईयर तो वो मेरा दोस्त, वो
बहुत अच्छा उसको जॉब भी मिला पास आउट होने के बाद, टॉपर था, गेट में टॉप रैंक किया, IOCL में मिला, इंडियन ऑयल में नौकरी कर रहा था, दिल्ली में पोस्टिंग था उसका, बहुत अच्छा नौकरी था, शादी भी किया था, शादी भी किया था, 5 महीने शादी हुआ था, और फिर लास्ट ईयर इसी अगस्त महीने में वो कोरोना वायरस में मर गया, लास्ट ईयर इस अगस्त महीने में ही ये घटना हुआ, 5 महीने शादी हुआ था उसका। तो मैं सोचा कि मेरे को बहुत खराब लगा, बहुत मेरा क्लोज था वो, मेरे को बहुत हेल्प किया था बीटेक के टाइम, दूसरा लोग मेरे को उतना हेल्प नहीं करता था लेकिन ये टॉपर मेरे को बहुत हेल्प किया था और हेल्प करता था। तो मेरे को बहुत खराब लगा कि कोरोना वायरस में सडनली मर गया। 15 दिन भर्ती था दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल में और मर गया उसके बाद कोरोना वायरस के कारण। तो जैसे तो ये मेटेरियल इंटेलिजेंस था उनमें, मेटेरियल इंटेलिजेंस था लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं था। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब जो इंटेलिजेंस भक्ति के मार्ग में उसको आने के लिए हेल्प कर रहा है। मेटेरियल इंटेलिजेंस बहुत लोगों का होता है, जो लोग बहुत मतलब वो टॉप करता है, अच्छा बात है, इट्स गुड, दैट इज ऑल्सो गिवन बाई कृष्णा, बट वी सी ऑफन टाइम्स दैट वो लोग भक्ति को साइंस को पकड़ नहीं पाता है। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लैक होता है। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस का बात बोला गया है वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट जो है वो समझेगा कि नहीं, इस मेटेरियल वर्ल्ड में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है, दिस इज नॉट ए प्लेस ऑफ द जेंटलमैन। तत्त कर्म प्रवर्तना, इस एस्पेक्ट में ये क्या है देखेंगे हम लोग। नेग्लेक्ट ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स विल डिस्ट्रॉय डिवोशनल सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। देर आर 4 बेसिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स: फॉरबिडिंग इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। A devotee must be very enthusiastic about following these principles. If he becomes slack in following any of them, his progress will certainly be checked. Srila Rupa Goswami therefore recommends tat-tat karma pravartanat. One must strictly follow the regulative principles of Vaidhi Bhakti. Jo rules and regulations ke saath jo bhakti initially hum log ko jarurat hai, kyunki hum log Krishna ke prati hum log ka prem nahi hai utna. तो वैधी भक्ति करना बहुत जरूरी है गुरु का आज्ञा से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से। लेकिन इसमें कोई नेग्लेक्ट करेगा तब वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। इन एडिशन टू दिस 4 प्रोहिबिशंस यामा, देयर आर पॉजिटिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नियम सच एज डेली चैंटिंग ऑफ 16 राउंड्स ऑन जपमाला बिड्स। दीज रेगुलेटिव एक्टिविटीज मस्ट बी फेथफुली परफॉर्म विद एंथुजियाज्म। This is called tat-tat karma pravartanat. So tat-tat karma pravartanat matlab jo rules and regulations, specifically jo chanting 16 rounds and following 4 regulative principles, ye jo basic cheez hai iskon mein, to isko follow karna, regulative principles ke bare mein, ye hai tat-tat karma pravartanat. The daily hum log mangal aarti ye sab jo iskon ka mandir mein hota hai, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में हम लोग नियम के अनुसार हम लोग जीवन जीते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान को पूजा करते हैं। तो दिस तत्त कर्म प्रवर्तन मीन्स दिस रूल्स एंड रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये है तत्त कर्म प्रवर्तन। सेकेंड है, अच्छा सेकेंड नहीं, और द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज एसोसिएशन, संगत त्यागो, जो श्लोक में था, ओरिजिनल श्लोक में था नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का। तो एसोसिएशन मतलब क्या है? एसोसिएशन चैतन्य महाप्रभु एसोसिएशन के बारे में बोला है, असत संगत त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव मतलब जो भगवान का भक्त मतलब है कि असत संग त्याग करता है। वो 2 प्रकार के असत संग है। सूरज प्रभु कैन यू रीड दिस ट्रांसलेशन?
Hare Krishna. Am I audible, Suraj Prabhu? Hare Krishna. Okay, Kaushik Prabhu. The Sri Sanghi Association of Proprietors gives us feeling of proprietor, controller, enjoyer, association of people interested in enjoying. Opposite sex is more dangerous than opposite sex itself. तो दो प्रकार के बैड एसोसिएशन होता है. एक है एसोसिएशन ऑफ ऑपोजिट सेक्स, एसोसिएशन विथ वेमेन. यस, वन कैन एसोसिएट विथ वेमेन विथ हिज वाइफ इन अ वैदिक वे इन आफ्टर मैरिज, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट इलिसिट association with women, Stri Sanghi, and for women it is men. So men should be careful with women, women should be careful with men. So Stri Sanghi, association of opposite sex, ye kya hota hai, isme gives us a feeling of proprietor, controller, enjoyer. Whenever a man comes in the association of women, these feelings will come, enjoyment tendency will come in a subtle way. लेकिन ऑपोजिट सेक्स का एसोसिएशन से भी डेंजरस है उनका एसोसिएशन करना जो ऑपोजिट सेक्स का एसोसिएशन में इंटरेस्टेड है. एसोसिएशन ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन एंजॉयिंग ऑपोजिट सेक्स इज मोर डेंजरस देन ऑपोजिट सेक्स. मान लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, कोई लड़का मान लीजिए गांव में है, तो वो अपना जिंदगी में पोर्नोग्राफी नहीं देखा है कभी, बच्चा है. तो वो जब कॉलेज में आया तब उनका दोस्त लोग सिखाया उसको कि अच्छा, ऐसे ऐसे पोर्नोग्राफी होता है, ऐसे ऐसे देखो तुम. सो दैट फ्रेंड इज अटैच्ड, interested in opposite sex. So even after coming to college, you see, he is not, even after seeing the girls, is not that he is developing the habit of seeing pornography, but his friends who is interested in watching pornography, when he associates with that friend, he develops this habit of watching pornography. So isliye dekhiye, association of people interested in enjoying opposite sex is more dangerous than opposite sex itself. This is the verdict of the scriptures. Men, if a man associates with another man who is a woman hunter, that is more dangerous than associating with a woman also. That is the meaning of this statement. तो कोई woman hunter के association में आ जाएगा, वो पूरा woman hunting ही शुरू कर देगा. लेकिन एक woman का association में आएगा तो एक woman का ऊपर ही इंटरेस्टेड रहेगा, लेकिन नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन के ऊपर इंटरेस्ट उसका जग जाएगा. तो दिस इज मोर डेंजरस देन एसोसिएटिंग विद ऑपोजिट सेक्स इटसेल्फ. दिस इज एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन. सतो वृत्ति मतलब जो हम लोग जो हर दिन हम लोग जो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं, वर्शिपिंग, चैंटिंग, देन रीडिंग श्रीमद् भागवतम, मीन्स प्रभुपाद बुक्स, रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, दिस सतो वृत्ति, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट्स, दिस इज द एसेंशियल एस्पेक्ट. सो इफ वी रेगुलरली डू दीज थिंग्स, रेगुलरली चैंट, रेगुलरली रीड प्रभुपाद बुक्स, then we'll be free from Maya. Then we'll be able to remain steady in your spiritual life. So, and we should be very careful that whether these things are properly taken care in our life or not. We should be very careful regarding that. And we should be planning our life in such a way that our life can be completely Krishna conscious and our life can be dedicated in the service of Krishna.
One can be in any of the two ashrams. One can be in the Brahmachari ashram. One can be in the Grihastha ashram. No problem. Any one of the ashrams, one can choose according to his own desire. But in both the ashrams, one should have the planning that one will be Krishna conscious. He will be thinking of Krishna. He will be serving Krishna. That is the essential thing. So that planning one should start. If we do spiritual planning, that planning is permanent, and Krishna is very happy with that planning. So I am ending here tonight with this third verse of Nectar of Instruction. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.